सब प्रेस का और जितने भी साथी यहाँ पे आए उन सब का ये मुद्दा है। और ये प्रेस में ये जो पर्चे की बात करी है ये पूर्ण रूप से वो पर्चा ही है, आपके सबके सामने भी वो आ जाएगा और एक बार खड़े होकर इसको हम दिखा भी देंगे सब रख लो। तो इशू बहुत है क्योंकि 13 महीने दिल्ली में किसान आंदोलन में रहे लेकिन ना देश की जनता गलत फहमी में रहे और ना किसान रहे। भारत सरकार ने कोई बातचीत किसानों से नहीं करी 13 महीने में। 22 जनवरी 2021 को लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ पर्चों का आदान प्रदान हुआ, एक बातचीत के आधार पर एक समझौता हुआ। हमको पता चला भाई सरकार उत्तर प्रदेश में है तो हम यहां पर आए, मिल यहां पे भी नहीं रही। और ये जो इशू है एमएसपी का एक बड़ा इशू देश में है, उस पर गारंटी कानून बनाने की एक कमेटी बननी थी वो भी नहीं बनाई। मुकदमे बहुत पर्चे दर्ज करी, 50,000 से ज्यादा पर्चे दर्ज है पूरे देश भर में, वो वापसी लेने की बात करी थी वो भी वापसी नहीं हुए। बिजली के रेट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को पता रहना चाहिए कि हरियाणा में 15 रुपया हाउस पावर है और यहां पे 175, 12 गुना महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। यहां का लखीमपुर खीरी का सबसे चर्चित मामला जो पूरी दुनिया ने देखा, अजय टेनी, आशीष टेनी, जो इतना बड़ा जंगी अपराध करने के बावजूद भी 2-3 महीने में ही बाहर आ जाता हो तो घटना भी सभी लोग देख रहे, आज शायद उसकी रिहाई कर रहे। तो क्या इस तरह की तानाशाह सरकार चाहिए? क्या इस तरह का सिस्टम चाहिए कि जिसने लोगों को गाड़ियों से रोंदने के बावजूद 3 महीने में बाहर आ जाएगा? क्या आने वाले टाइम पे जनता के साथ में क्या व्यवहार करेंगे? तो ये सारे हमारे इशू हैं, समझना जनता को है कि आधे रेट में फसल बेच के उसको क्या करना है, 12 गुना महंगी बिजली खरीद कर उसको क्या करना है। देश में बेरोजगार जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, करीब 14 करोड़ लोग तो बचे हुए हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है हिंदू मुस्लिम जिन्ना, इन पे काम हो रहा। वोट जो चाहिए 2 महीने के जो इलेक्शन के टाइम पे शब्द आते हैं इसके आधार पर वोट चाहिए। अभी कुछ फेज का इलेक्शन हो गया लेकिन यहां पे हिंदू मुस्लिम पे एचएम पे चुनाव नहीं हो रहा, तो सरकार इस पे लगी हुई है कि कहीं ना कहीं करवाओ। तो एक तो अपील लोगों से ये है कि भाई इन सब चीजों से बच के रहना, सरकार कुछ भी करवा सकती है। ये हमको अंदर की खबरें हैं कि सरकार और संघ की चर्चाएं इस सब्जेक्ट पे हुई है कि चुनाव में वोट नहीं मिल रही और एचएम पे चुनाव को लेकर जाओ, तो सभी जनता इन चीजों से सतर्क रहे। हमने पश्चिम के अंदर जहां से इस चीज की शुरुआत करते थे वहां पे इस तरह के जो स्टेडियम थे जहां पे हिंदू मुस्लिम का मैच करते थे, ये वे स्टेडियम जनता ने तोड़ दिए, इनकी तरफ कोई नहीं जा रहा। लेकिन यहां के लोग उस अपील है कि यहां के लोग उन चीजों से बचें। ये पर्चे हैं, इसमें अपील करी गई है, इसमें बहुत से 4-5 बिंदु हैं जो भारत सरकार से उस टाइम पर समझौते हुए। और हमारे और भी सवाल हैं कि जब भी कैंडिडेट आपके बीच में आए आप उससे सवाल करो कि मेरे गन्ने के भुगतान का क्या रहा, गन्ने का भुगतान 14 दिन में होता था, उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, ना 14 दिन में भुगतान होता ना उसका इंटरेस्ट मिलता। बिजली महंगी क्यों है, गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1,000 कैसे हो गया, क्या बच्चों को अनपढ़ बेरोजगार बनाने का एक बड़ा संयंत्र देश में है? मतलब बड़ी बड़ी मीटिंगें हो सकती हैं लेकिन स्कूल बंद रहेंगे, शराब के ठेके खुल सकते हैं लेकिन स्कूल बंद रहेंगे,
जो देश में लेबर कॉलोनी बनाने का एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, ये क्वेश्चन सरकारों से जरूर करने चाहिए जनता को, और उनसे जवाब लो आप। हमने कहा कि जनता से हिजाब पे नहीं काम चलेगा, देश में हिसाब और किताब से काम चलेगा। देश में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, हिसाब और किताब, और ये दोनों चीज देना नहीं चाहते। ये किताब को भी बंद कर दिया, हिसाब की किताब को भी बंद कर दिया। तो जनता से अपील है कि जब भी आपके बीच में आए तो इनसे हिसाब और किताब की बात करो, या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे नकाब की बात करेंगे, या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे हिंदू मुस्लिम और जिंदा पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन आप दो ही चीजें हिसाब किताब दे दो, इन पर आप बातचीत जरूर करें। और जो घटना, ये दुखद घटना है उन परिवारों के लिए भी जिनके बच्चे यहां पे मारे गए थे, आज उनके कातिलों को बाहर छोड़ा जा रहा है, निर्दोष जेल में बंद रहेंगे। कोई पत्रकार कोई आवाज उठाएगा तो जेल में बंद रहेगा, और जो कातिली हैं वे छोड़ने जाएंगे, उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी। 120 बी का मुलजिम अजय टैनी तिकोनिया पुलिस स्टेशन में उनके नाम दर्ज रिपोर्ट है, वो ना जेल में जाएंगे ना अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो ये जनता को सोचना है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जनता के बीच का चाहिए, या यहाँ पे कोरिया जैसे हालात सेकंड किंग जोंग चाहिए। तो तानाशाह सरकार नहीं चाहिए कहीं पे भी, किसी भी स्टेट में, वो जनता की चुनी हुई सरकार जाए। तो इस तरह की हमारी लोगों से अपील है कि भाई अपने वोट का भी ठीक अपना इस्तेमाल करना, क्या करना है वो समझ आपकी, हम कुछ नहीं कहते। हमारे तो बिंदुवार है, या हमने बताए कि आज लखीमपुर खीरी में इसलिए आना पड़ा कि दुखद घटना है, और पूरे देश भर में आंदोलन भी चले और उसके बाद में भी ये घटना घट रही है। तो सर, हम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जब हमारे वकीलों ने बातचीत करना चाहे तो नेट नहीं आ पाया था, तो हम तो अपील फिर करेंगे, बड़ी जगह करेंगे, और ये करेंगे कि रूबरू हमारे भी पक्ष सुन लिया जाए। धन्यवाद। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा टेनी को छोड़ा जा रहा है, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? कहना तो कह तो दिया भाई, छोड़ा जा रहा तो वो पूर्ण रूप से 2-2.5 महीने में छोड़ा जा रहा तो पूर्ण रूप से गलत है, लेकिन जो कोर्ट ने फैसला कर दिया उसको कौन रोक कर सकता है? देश तो संविधान और उससे चलता है। हमने ये कहा है कि कोर्ट को वे तथ्य, क्योंकि ऑनलाइन बहस थी तो कोर्ट के सामने जो हम तथ्य देना चाहते थे वे नहीं गए होंगे, यही तो कोर्ट करता है कि उनके सामने तथ्य नहीं गए तो उन्हें छोड़ दिया, कोर्ट पर तो कोई बहस ही नहीं। लेकिन ये आशीष मिश्रा का जो पक्ष है, उनके वकीलों का ये कहना है कि आशीष मिश्रा की घटना स्थल पर मौजूदगी का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। तो कहाँ था भाई वो, दे दो, पूरा देश कह रहा, पूरी दुनिया कह रही, उसके पिताजी जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके 10 दिन पहले के बयान कर दो, उस बयान पे क्या वो बनती है, उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए और उनको जेल होना चाहिए। 120 बी के मुलजिम है, 120 बी का मुलजिम 302 के मुलजिम से भी खतरनाक होता है, प्लानर होता है, वो प्लान बनाकर देता है, किसी आदमी को नहीं पता कि कत्ल की धाराएं क्या होगी, लेकिन उसको उपचार के और किसी से कत्ल करवाना उससे भी खतरनाक होता है। ठीक है सर, पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, आशीष मिश्रा को अरेस्ट रखे जेल में, 5,000 पन्ने की चार्जशीट लगाई जी, आखिर कहां पे ऐसी चूक आपको लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने सबूत नहीं जुटा पाई, कहां पे क्या ऐसा हो जा भाई? जिसका बाप गृह राज्य मंत्री है तो उनके खिलाफ पुलिस, जो पुलिस के अधिकारी जब तक सलूट मारते रहेंगे तो क्लोज तो छूट जाता है, अलग ही नुक्ते के हेर फेर से ही खुदा और जुदा बन जाता है। नुक्ता अगर ऊपर लग गया खुदा बन गया, नीचे लग गया जुदा बन गया, अब कौन नुक्ते को देखेगा भाई? देखिए, आप लोग बेहतर जानते हैं, सरकार का, प्रोसिक्यूशन का, सरकारी वकील का बड़ा रोल होता है, और पुलिस का जो चीजों को पुटअप करना चाहिए, वो अगर चीजें पुटअप नहीं होंगी कोर्ट में
तो उससे अपराधी को लाभ मिलता है। लेकिन आपका जो समझौता हुआ था इस पूरे कार्ड से, उसमें आपने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में पूरा मामला इसकी जांच कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एसआईटी का गठन किया था, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट लगाई है उसमें। हम क्या बने कर रहे, रिपोर्ट नहीं लगाई। अब 5000 पन्नों की रिपोर्ट लगी है तो वो तो वकील ही तो पढ़ेंगे, वो अपनी दलील देंगे और दलील रूबरू कोर्ट में जा नहीं सकते, कोरोना काल है। दलील जब ऑनलाइन दी गई तो हमने तो कहा कि डिस्कनेक्ट, हमारे वकील जब बहस कर रहे थे तो कनेक्शन कट गया, तो कोर्ट के सामने हम पूरी दलील नहीं रख पाए। मतलब आपकी ये मांग है कि फिजिकल इसकी फिजिकल जीराबंदी हो भाई उसकी। ये मांग है, जब 120 बी की एफआईआर में नामजद नहीं थे केडी है, 4 अक्टूबर को एफआईआर होती जो नामजद अभियुक्त थे उसमें उनका नाम नहीं है, तो नाम है हमने रात में नामजद मुलजिम में नाम नहीं है, एरियर में नाम है, एरियर में नामजद मुलजिम में नाम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लिया इसके? जब वहां तहरीर दी सुबह, जब समझौता हुआ उस टाइम पे उनका नाम था, अभियुक्तों में उनका नाम कभी नहीं था, केवल बाडी में नाम है, आपकी तहरीर में नाम है, अभियुक्तों में नाम नहीं था ना है। और पे छोड़ दिया होगा भाई, भाई सरकार ने ढिलाई नहीं की, इतने बड़े केस की पैरवी प्रभावी नहीं की। सरकार क्या कर रही थी, अगर एसकेएम कुछ नहीं कर रहा तो सरकार की किसी की वकील, जो सरकारी वकील होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, तो जाएंगे भाई। हम तो जनता के बीच में गए कि ये जो देखा है, क्या इस तरह की तानाशाह सरकार देश में चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, आपको ये नहीं लगता एसकेएम जो वकील थे ये उनकी भी ढिलाई रही? हम तो कहा तो एसकेएम की वकील की बात कोर्ट तक नहीं जा पाई। सुनवाई नहीं गई वहां तक, वकील तो छोटा भी अपनी बात कह सकता है, लेकिन जब उसकी बात कोर्ट तक नहीं जा पाई सुनवाई के दौरान, कोर्ट पर नहीं टिप्पणी करते हम तो भाई, ना राज्यसभा पर टिप्पणी करते ना कोर्ट पर करते, भाई राज्यसभा भी आने वाली है, टिप्पणी किसी पर नहीं करते हम। या तो आदमी पर्चे से डरता है या फिर भाई खुश होकर काम करता है। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलणा। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।